गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी पहुँचे लंगर और संगत के बीच बैठकर उन्होंने किया लंगर। किसी को पता नहीं चला कि बाबा जी महाराज जी कब यहाँ लंगर करने आ गए और किस तरह से लंगर करके वहाँ से चले गए। लेकिन जब एक भाई की उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी किए और संगत के बीच आकर, यानी कि जो भी वहाँ सेवादार भाई बहन थे उनको बताया, तो सभी बहुत ही दुखी हुए और रोने भी लगे कि हमने बाबा जी महाराज जी के दर्शन ही नहीं कर पाए। हालांकि हम उनको सब्जी भी देकर आए, यानी कि उस लाइन में जहाँ पे बाबा जी महाराज जी बैठे थे वो लंगर करके गए, उसी में किसी ने सब्जी उतारी तो किसी ने पानी तो किसी ने खिचड़ी, लेकिन कोई भी दर्शन नहीं कर पाया। जब उन्होंने यह देखा तो कितने दुखी हुए। तो देखिए बाबा जी महाराज जी लंगर घर क्यों लंगर करने पहुँचे और किन के साथ पहुँचे, तो साकी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं और सभी का कितना ध्यान रखते हैं। विशेषकर बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल तो बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो आइए हम जानेंगे साखी में कि बाबा जी ने अपने बच्चों को भी लिए सत्संग घर बनवा रखे हैं। और बाबा जी महाराज जी ने जो सत्संग घर बनवा रखे हैं जिसमें कि लगभग 4 से 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 10 से 12 वर्ष के बच्चे जाकर सेवक कर सकते हैं और वहां बड़े ही प्रेम प्यार से सत्संग भी सुन सकते हैं। सत्संग जी, तो ऐसे ही छुट्टियों में बाबा जी महाराज जी की पोती भी विदेश से ब्यास अपने माता पिता के साथ आई हुई थी। वहाँ भी डेरे के बच्चों के साथ सत्संग सुनने जाया करती थी और उनसे बच्चों के साथ लंगर भी करने जाया करती थी। वहां जब उसने लंगर के बारे में सुना तो वहां आज घर पर बोली कि मुझे घर की रोटी नहीं खाना, मैं तो सत्संग घर जाऊंगी और लंगर करके आऊंगी। सत्संग जी सभी ने उनको बहुत समझाया, घर में खाना खा लो, लेकिन वहां तो किसी की नहीं सुनने वाली, अब तो जिद पकड़ ली कि मैंने तो लंगर ही करना है। सत्संग जी, अब दादाजी को तो अपने प्यारे पोते पोती सभी को अच्छे लगते हैं, तो सत्संग जी ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो बाबा जी उन्हें अपने साथ लेकर लंगर में खाना खाने के लिए आ गए। उन्होंने सिर पर थोड़ा सा टोपी वगैरह डाल ली ताकि जिससे कोई पहचान ना पाए, यानी कि एक बुजुर्ग जैसे बन गए और वहाँ अपने साथ अपनी पोती को लेकर संगत के बीच में वहीं जहाँ की सभी थाली वगैरह उठा रहे थे उनके साथ ही वहाँ थाली वगैरह उठाकर संगत के साथ साथ चलने लगे और पांडाल में लंगर खाने के लिए पहुंच गए। सत्संग जी, बाबा जी और उनकी पोती आराम से जाकर लाइन में बैठ गए। बाबा जी और उनके जो पोती थी बड़े प्रेम प्यार से संगत के बीच बैठकर लंगर करने लगी। बाबा जी को लंगर जो परोसने वाली एक भाई बहन थे उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बाबा जी को राधा स्वामी बोला, लेकिन बाबा जी ने उन सेवादार भाई को उंगली रखकर मुंह पर मना कर दिया और चुप कहने को बोला। तो उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वह किसी को कुछ बताते तो वहाँ की सारी संगत जो कि पंडाल में थी और सेवादार थे वह सभी बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लेते। बाबा जी और उनकी पोती आराम से लंगर खा रहे थे। आज लंगर में बहुत ही बढ़िया सब्जी और खिचड़ी बनी हुई थी। जब बाबा जी ने लंगर खा लिया तो वहाँ सेवा जो भाई थे सेवादार भाई वह अपने प्रसाद की टोकरी किसी और को देकर बाबा जी की थाली को लेकर धोने के लिए ले गए। थाली साफ करने के बाद जब वहाँ आए तो उनकी लाइन की सेवा समाप्त हो चुकी थी, यानी कि उस समय की संगत भोजन करके उठ चुकी थी। सभी सेवादार भाई बहन आराम से बैठे हुए थे। तब उस सेवादार भाई ने बताया कि अभी बाबा जी इसी पांडाल में अपनी सेवा वाली जो हम लाइन में हमारा जो कंटेनर था जो हम सेवा कर रहे थे वहाँ पर बैठकर अभी अभी बाबा जी यहाँ लंगर खाकर गए हैं। तो सत्संग जी यह सुनकर सभी सेवादार भाई बहन बहुत हैरान हो गए और कहने लगे कि हमने अपने सदगुरु को क्यों नहीं पहचाना, हमने उनके दर्शन क्यों नहीं करे, गुरु हमारे सामने बैठे रहे और हम उन्हें पहचान ना सके। फिर कोई कहने लगा कि मैं तो इस लाइन में सब्जी देकर आया, तो कोई कहने लगा मैं तो पानी देकर आया, तो कोई कहने लगा मैं तो खिचड़ी देकर आया। तो बच्चे को तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी थी, उसने रोटी कम खाई और खिचड़ी ज़्यादा खाई। घर जाने के बाद दादा और पोती में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम आप जी को बताने की कृपा कर रहे हैं जी, तो कोशिश करें कि आप जी पूरी साखी को जरूर सुने। सत्संग जी, दादाजी लंगर में से जो सब्जी रोटी दोनों अच्छी थी और जो खिचड़ी थी वह तो बहुत ही अच्छी लगी थी।
उनकी पोती ने बाबा जी महाराज से कहा तो बाबा जी ने अपनी पोती से बोला, बेटा मेरे सेवादार इसे बहुत ही प्रेम प्यार से बनाते हैं। जब वह बनाते हैं तो उसमें सिमरन, भजन और सेवा और प्रेम के साथ बनाते हैं, और खिचड़ी हल्की भी होती है, इसे बूढ़े, बच्चे और बीमार सब बड़े ही प्रेम प्यार से पा सकते हैं। सत्संग जी, जब उनकी पोती बोली, दादाजी आप सबका कितना ध्यान रखते हो, तो बाबा जी ने भी बोला, बेटा जो लोग इतने दूर दूर से मुझसे मिलने आते हैं या डेरा घूमने के लिए आते हैं तो उनका ख्याल मुझे ही तो रखना होता है बेटा। तो बाबा जी ने आगे कहा कि जो बुजुर्ग के लिए भी हमने अलग अलग सत्संग घर बनवा दिए हैं, ताकि बुजुर्ग संगत सीधा सत्संग के लिए बसों से सत्संग पांडाल में आराम से आ सकती है। सत्संग जी, बाबा जी ने उन बुजुर्गों के रहने के लिए भी देखिए लुधियाना और जलंधर सेंटरों में बड़े ही अच्छे इंतजाम कर रखे हैं जी। सत्संग जी, वहाँ पर भी सेवादार भाइयों को लंगर की और बुजुर्गों के रहने की सेवा करने का मौका दे दिया है। जो बुजुर्ग संगत रहती है वह ब्यास में सत्संग सुनने के लिए आती है, उनको वहीं पर बैठे बैठे प्रसाद और लंच के पैकेट दिए जाते हैं, ताकि जो बुजुर्ग माताजी और बुजुर्ग जी जो भी रहते हैं वह संगत को किसी भी कोई प्रकार की परेशानी ना हो। उन सभी संगत के लिए चाय और भोजन आदि की बड़ी अच्छी उत्तम व्यवस्था करवा दी है। सत्संग जी, देखिए हमारे गुरु हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारी कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन हमें कि उनकी बिल्कुल भी कहने पे नहीं चलते, उनके हुक्म की पालना नहीं करते। देखिए हमारे कुल मालिक हमसे कहते हैं कि हे मेरे कितने अच्छे सेवादार हैं, सभी कितने प्रेम से सत्संग सुनने आते हैं और कितने बहाने में रहते हैं सत्संग जी, लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा जी महाराज जी का कभी भी कहने का हुक्म मानते ही नहीं। अब बाबा जी महाराज जी हमसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, वह है भजन सुमरन। बाबा जी महाराज जी तो हमें हर चीज़ देने को तैयार है, लेकिन हम उनके हुक्म में रहते ही नहीं। सबसे बड़ा हुक्म की सेवा अगर कोई है तो है भजन सुमरन। तो सत्संग जी साखी कितनी सुंदर थी, बाबा जी महाराज जी अपनी पोती को लेकर सत्संग घर गए, वहाँ लंगर घर जाकर उनको संगत के बीच बैठकर उनको लंगर करवाया, और जो सेवादार भाई कितने सौभाग्यशाली थे जिन्होंने बाबा जी महाराज जी के दर्शन पा लिए। तो सत्संग जी साखी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख के सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी साखियां मिलती रहे जी। और सत्संग जी एक विशेष सूचना कि आप जी अपने छोटे छोटे बच्चों को सत्संग जरूर ले जाए जी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी एक भविष्य है, जो कि वहाँ बुनियाद अगर अच्छी रहेगी, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे तो वहाँ माता पिता का भी सम्मान करेंगे और अपने देश का सम्मान भी करेंगे, और साथ साथ अपने गुरु के हुक्म में रहकर एक सच्चा इंसान बनकर उस कुल मालिक की प्राप्ति भी कर लेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना।